हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट टू करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने जितने भी पिछले ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिस्ट्री से, वो सारे सारे चैप्टर वाइज करेंगे। और आप हमारा वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ में ही आप हमारा यूट्यूब चैनल SSC रैंकर सेडा को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो करते हैं आज की शुरुआत। पायस एक कोलाइडी होता है, तो पायस एक द्रव्य में द्रव्य का कोलाइडी निकाय है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। और इसके अंदर दो एग्जांपल अपन देख सकते हैं, दूध और तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध है तो दूध है, ये एक पायस है। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी द्रव्य में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव्य में प्रक्षेपित पर कहलाता है, तो ये कहलाता है इमल्शन। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोलाइडी का निर्माण करने के लिए प्रक्षेपित माध्यम में जो मिलाया जाता है, क्योंकि जब किसी द्रव्य में एक द्रव्य को प्रक्षेपित किया जाता है तो पायस या इमल्शन का निर्माण होता है, जिसके अंदर दूध, कोल्ड ड्रिंक और तेल इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न का मिलान कीजिए, तो इसका अगर सही देखें तो वाष्पन है। वाष्पन होता है द्रव्य से गैस में। ठीक है, जो कि हमारा ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ऊर्ध्वापातन कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वापातन है ये ठोस से गैस का होता है। ठीक है, तो इसका होगा बी का, वो होगा 4। ठीक है, और इसके बाद में अगर देखिए हिमीकरण का, तो हिमीकरण है ये द्रव्य से ठोस के अंदर चेंज करता है। ठीक है, और जो पिघलना है ये ठोस से द्रव्य में परिवर्तित करता है। आप ये चीजें नोट कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सारे के सारे आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहसंयोजक योगी के बारे में कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है अभिक्रिया तेज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। सहसंयोजक यौगिक है, उसके अंदर यौगिक समानित द्रव्य और गैस भी होता है, और कवथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, और अभिक्रिय है ये एक मंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस है इसका प्रसार जो गुणांक है वो अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। जो द्रव्य तापमापी है उसका उदाहरण है वो है मरकरी जैसे, और गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है, और 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के माप को मापने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और गैस है ये तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना से अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैसों का प्रसार है ये द्रवों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विष्क्रमक एवं अभिकर्मक है, निम्न में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो इसका सही आंसर है पानी। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विष्क्रमांक अभिक्रमक है, और इससे जब सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब यह पानी बनाता है। तो इसका अगर समीकरण देखें तो ये होता है 2H2O, ठीक है, और 2H2O प्लस O2। ठीक है, तो ये अभी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है ऐसा, तो नाइट्रोजन के अंदर है ये उच्च आबंधन वियोजन ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। नाइट्रोजन की सबसे भारी कक्षा का विन्यास है ये होता है 2s²pq। ठीक है, जिसमें 2p उच्च स्तर पर आधा भरा हुआ होता है और अधिक स्थायी होता है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा है ये ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नाइट्रोजन का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है, ये हमारा सही आंसर है। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण का है वो उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है,
तो कौन सी गैस है उसे क्षारीय बनाती है? तो ये बनाती है अमोनिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। पानी में घुली हुई अमोनिया गैस उसे क्षारीय बनाती है। अमोनिया के ध्रुवीय गुण तथा उसकी हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता हद तक पानी में अमोनिया की उच्च घुलनशीलता को दर्शाता है। और जलीय विलयन में अमोनिया एक क्षार की तरह कार्य करता है और जल में हाइड्रोजन आयन प्राप्त कर अमोनिया तथा हाइड्रोक्सी आयन है वो उसको मुक्त कर देता है। और इसका समीकरण है वो ऐसा बनता है NH3+H2O, NH4+OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण से उसको निष्कासित किया जाता है। मैग्नीशियम को डाव विधि, कौन सी विधि है? वो है डोव विधि। ठीक है, डाव विधि से निकाला जाता है। और मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है उसका पानी से बाहर निकालने का, वो समीकरण क्या होती है? तो वो होती है MgCl2 6H2O। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। और इसके साथ में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ये 95% होता है और जिंक है ये 5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है? तो ये है आसवन विधि। ऑप्शन नंबर जो हमारा आसवन विधि सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि का प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ये हमारा है ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकेंड है ये हमारा सही आंसर है। फर्स्ट जो आर्सेनिक और थर्ड नंबर है फ्लोराइड। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, आर्सेनिक और फ्लोराइड। ठीक है, और बहुत से जल का स्रोत है जिनका हाल ही में हम पीते हैं और उनमें रासायनिक अशुद्धियां व्याप्त होती है। वो भारत के कुछ भागों में पेयजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रेट आदि अशुद्धियां है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये होता है जल के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी द्रव्य के बारे में उबल गया तब तक कहते हैं जब उसका तो वो वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, तब उसको ये कहा जाता है कि ये अब पूरा उबल चुका है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्रता ग्राही वस्तु वह होती है जो तत्काल अवशोषित कर ले, तो वो है हमारा जल वाष्प को। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। जो आर्द्रता ग्राही पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने वातावरण से जल वाष्प को तत्काल अवशोषित कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें अगर फॉर एग्जाम्पल तो चीनी, शहद और इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आर्द्रता के रूप में। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। वायुमंडल में विद्यमान आदर्श जल वाष्प की मात्रा है ये आर्द्रता के रूप में कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक के एल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं किण्वन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। किण्वन की क्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से एल्कोहल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूत होती है, तो क्योंकि वह एक क्या होता है? तो ये एक अत्यंत वाष्पशील होती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। अत्यंत वाष्पशील होने के कारण शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट है ये हमें ठंडा महसूस कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो प्रकाश बिखराव है ये होता है कोलाइडी घोल के अंदर। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार है वो उसका डायमीटर होता है 10^-7। ठीक है, और जिसके अंदर जो और इसके अंदर क्या क्या और होता है वो अपन अगर नोट करना चाहें तो कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है स्कंदीकरण। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है,
स्कंदीकरण की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल से परिवर्तित किया जाता है और फिटकरी को जो गंदले जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उड़न तथा अवसादन के द्वारा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा स्कंदन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है स्कंदीकरण, यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा स्कंदन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। मामूली कट जाने पर फिटकरी, जिसका मतलब पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से हम जानते हैं, उसका उपयोग करके ये रक्त स्त्राव को रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शब्द का अर्थ है ये होता है, वो है हमारा अधान। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को अलग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। आयोडीन को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रासायनिक द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग के प्रतिरोध के कारण कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि वो आर्द्रता 100% हो। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। जल वाष्पीकृत तब नहीं होगा जब जो आर्द्रता है वो 100% हो, क्योंकि 100% आर्द्रता होने पर वायु में जल वाष्प अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है और जिसमें वो वाष्पीकरण की गुंजाइश बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विसंक्रमण के बाद उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, तो ये कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? जब कोई गंदे पानी को ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप है वो कैसा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाता है तो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जल संवेह रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जल योजन। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। जब जल संवेह रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जल योजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होता है पेंट्रोल का। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। पेंट्रोल का जो घनत्व होता है वो होता है 0.71 ग्राम, ठीक है, cm³। ठीक है, और नमकीन पानी है इसका होता है 1.03 ग्राम mCl। ठीक है, और मरकरी का कितना होता है? वो होता है 13.53 ग्राम cm³। ठीक है, और स्वच्छ जल का कितना होता है? वो होता है 1 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ऊर्ध्वपातन विधि है ये ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है और इस विधि द्वारा उन ठोसों को शोधन किया जाता है जिनको गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन हो जाता है। जैसे अगर बात करें कोई एग्जाम्पल की तो वो होते हैं नेप्थेलिन, बेंजोइक अम्ल और कपूर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, तो जो अशुद्ध जल है ये एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। अशुद्ध जल है ये जल का सबसे शुद्धतम रूप है, जबकि वायु, गैसोलीन एवं एलपीजी है ये मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी जल से अभिप्राय है, तो भारी जल से अभिप्राय है यह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है।
मतलब वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है, भारी जल यानी D2O। ठीक है, वह होता है भारी जल D2O, यानी वह जल होता है जिसमें अधिकतम घनत्व होता है और इसमें साधारण जल से 11% अधिकतम वह वो इसका घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है। D2O का उपयोग है ये परमाणु भट्टियों के मंदक के रूप में भी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि D2O का उपयोग है ये परमाणु भट्टियों के मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा मृदा जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है वो सही आंसर है, नमक के घोल का घनत्व है ये अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो ये है हमारा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है, न्यूनतम तापमान पर हाइड्रोजन है ये गैस द्रव्य में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो वो है हमारा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, हाइड्रोजन है, इसके अंदर प्रति ग्राम ऊर्जा है वो होती है 1.486 जूल ग्राम। ठीक है, मेथेन के अंदर होता है वो कितना होता है, वो होता है 5600 जूल ग्राम। ठीक है, और एथेनॉल के अंदर कितना होता है, वो होता है 30,000 जूल ग्राम। ठीक है, और ब्यूटेन के अंदर जो कि हमारा एलपीजी का एक मतलब स्रोत है उसके अंदर होता है 49,100 जूल ग्राम। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक किसके कारण है? तो इसका सही आंसर है ये हाइड्रोजन आबंधन है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है, जल का उच्च क्वथनांक है ये हाइड्रोजन जो आबंधन है इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? तो इसका हमारा सही आंसर है मृतिका। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? है वो अल्कोहल के अंदर जल को अलग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आसवन द्वारा, आसवन विधि द्वारा ये अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं? तो ये हटाए जाते हैं क्लोरीनीकरण। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये SSC 2010 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर आ रखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सारा पानी बर्फ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखा पानी है वो बर्फ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर है ये हमारा सेकंड सही आंसर है। जब किसी पर दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु है वो कैसा रहता है? जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु है ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है, वह स्थिर ताप जिस पर क्वथन होता है वह क्वथान कहलाता है और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के BOD मान बताएं। तो BOD मान, पहली बात तो BOD क्या है? तो BOD है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म और इसका सही आंसर है वो है हमारा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरतरण औद्योगिकी प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है वाटर हाइसिंथ, मतलब बोले तो जल सतुल। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, जल सबूल। ठीक है, जल सबूल इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को है वो क्या कहते हैं? तो इस
जो प्रक्रिया को है वो भी संक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया गया, और ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो जल के अंदर चारकोल का उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है अधिशोषक के रूप में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है अधिशोषक, ये हमारा सही आंसर है। लकड़ी का कोयला या यानी चारकोल काला भूरा पदार्थ होता है जो लकड़ी की हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल एवं अन्य वाष्पित पदार्थ को निकालकर बनाया जाता है, और जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है क्योंकि चारकोल जल में उपस्थित प्रदूषकों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सौर ऊर्जा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबड़ के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उत्पन्न होती हैं, एवं पेट्रोल के जलने से है वो CO2 और CO और SO2 गैसें इत्यादि निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो इसके अंदर होता है सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है सल्फोनेट, ये हमारा सही आंसर है। मतलब अपमार्जक बोले तो डिटर्जेंट का एक विशेष प्रकार का एक कार्बनिक पदार्थ है जिनमें साबुन की तरह मेल साफ करने का गुण होता है, और अपमार्जक है ये मर्द और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जा सकता है। इसका मुख्यतः सल्फोनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो ये करता है पृष्ठ तनाव पर। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। अपमार्जक है ये पृष्ठ तनाव की पद्धति पर कार्य करता है और ये पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, सुक्रोज इन्वर्टर एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C12H22O11। ठीक है, आप ये नोट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज किसका एक प्रकार होता है? तो ग्लूकोज है ये हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ग्लूकोज है ये हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार होता है, और ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है, और जो ग्लूकोज का आणविक सूत्र है वो होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये अग्निशमन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप या अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस है ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो गैस का मिश्रण है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी है तो मरकरी एक क्या है? तो मरकरी एक द्रव्य धातु है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सेकेंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, जो HgS लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? तो ये इसका सही आंसर है रेह। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है रेह, ये हमारा सही आंसर है। जो रेह का संबंध है ये घुलनशील सोडियम लवणों से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है रेनिन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो ये है पनीर। पनीर है, ये एक जेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ये इसके अंदर चीज भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है? चीज भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके अतिरिक्त है, अगर आप नोट करना चाहो जेल के उदाहरण, तो वो होते हैं पहला पहला जेली जो बच्चे खाते हैं, और एक होता है जिलेटिन, ठीक है? तो आप ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है कैल्शियम सल्फेट, ये हमारा सही आंसर है। कैल्शियम सल्फेट है, ये जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल को उबलाकर इस कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता कभी भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रक्रिया को जल मृत्युकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मर्क जल कहते हैं, तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देते उसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड आदि की अशुद्धियां घुली होने के कारण होती है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर, हमारा जो सही है वो है क्षारता। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की सांद्रता के कारण जल में क्षारकता उत्पन्न होती है, और मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से ऊपर हो तो उसे मिट्टी की क्षारकता कहा जाता है, ठीक है? और जिसके उपचार के लिए खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा आयन विनिमय रेंजीन तकनीक। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। मधुषकों के रूप में है वो क्या यूज किया जाता है, ये है आयन विनिमय रेंजीन तकनीक का यूज किया जाता है, ठीक है? अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका उपकरण है ये उत्प्रेरण दवाएं और जूस के शुद्धिकरण और चीनी के उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो ये रेड कलर में आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग को लाल कोटी में रखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तो क्या पैदा करती है? तो ये करता है जल। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तब ये जल बनता है। तो जब जलने की सॉरी ये जल बनने की जो प्रक्रिया है वो होती है 2H2+O2, 2H2O, ठीक है? तो आप ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ये है हमारा CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, तो चूने का पानी है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? और इसका जो सूत्र है वो अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, CaOH2, ठीक है? या नोट कर लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर, इसका फर्स्ट है ये सही आंसर है। इसका फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है? और ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को स्तृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है H2 का। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति में
स्तप्त वसाओं को परिवर्तित किया जाता है जिससे ग्लिसराइड का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है उसे वसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है ये हमारा सही आंसर है। अगर देखें तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है वो होता है CaOCl2, ठीक है, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं और इसका है ये जल को शुद्ध करने के में भिरंजक के रूप में तथा सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग है ये क्लोरोफ्लोरो तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप नोट करना, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है ये क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। किसके अंदर? क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विषम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है बुझा हुआ चूना, ये इन चारों में विषम है। संगमरमर है ये एक कायत्रित शैल है जो कि चूना पत्र के कायरत का परिणाम है। चाक भी चूना पत्र का एक रूप है। बुझा हुआ चूना एक है ये रंगहीन क्रिस्टल है जिसका जो फॉर्मूला है वो होता है CaOH2। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूरिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी है वो वायु में रखने से दूरिया हो जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है वो चूने का पानी का रंग है ये दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। चूने का पानी है ये कार्बन डाइऑक्साइड को दृढ़ता से अवशोषित करता है तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कारण ये दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट, सो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।